महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगी सुनीता विलियम्स। दिला रही कल्पना चावला की याद, नासा की बड़ी चिंता। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बुश विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर फंसी हैं। उनको अंतरिक्ष में 2 महीने से ज्यादा बीत गया है। वहीं अब नासा ने उनको वापस लाने के लिए 2025 के फरवरी का समय तय किया है। इस बीच सुनीता विलियम्स ने एक और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री रही कल्पना चावला की याद दिला दी है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बुश विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर फंसी हैं। उनको अंतरिक्ष में 2 महीने से ज्यादा बीत गया है। वहीं अब नासा ने उनको वापस लाने के लिए 2025 की फरवरी का समय तय किया है। इसी के साथ वह अंतरिक्ष में 8 महीने रहेंगी। इस बीच सुनीता विलियम्स ने एक और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री रही कल्पना चावला की याद दिला दी है। कल्पना चावला ने भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री बनकर रचा था इतिहास। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने 2 अंतरिक्ष शटल मिशनों पर उड़ान भरी थी, पहली 1997 में STS-87 और दूसरी 2003 में STS-107। दुख की बात है कि कल्पना चावला का जीवन तब समाप्त हो गया जब 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पुनः प्रवेश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उनकी और चालक दल के 6 अन्य सदस्यों की मृत्यु हो गई। कोलंबिया दुर्घटना से पहले 28 जनवरी 1986 को अंतरिक्ष यान चैलेंजर में विस्फोट हो गया था और सभी चालक दल मारे गए थे। कुल मिलाकर इन दुर्घटनाओं में 14 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई है। कल्पना चावला की मृत्यु ने नासा को गहरा घाव दिया है। नेल्सन ने कहा कि अंतरिक्ष उड़ान अपने सबसे सुरक्षित और सबसे नियमित होने पर भी जोखिम भरी है। एक परीक्षण उड़ान स्वभाव से ना तो सुरक्षित है और ना ही नियमित। बुश और सुनीता को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर रखने और बोइंग के स्टार लाइनर को चालक दल के बिना घर लाने का निर्णय सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। कल्पना चावला की दक्षिणी अमेरिका के आसमान में उस समय मृत्यु हो गई जब निर्धारित लैंडिंग से 16 मिनट पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया और उसका दल पुनः प्रवेश के दौरान टूट गए। वह 1976 में कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई हरियाणा के करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की और 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री हासिल की।